Hello guys, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys how to make veg pulao at home. So let's get started with the video, no more wasting time. So one more thing I have to say about this video is veg pulao hai, but you know na, I am non-veg, so maine thoda sa chicken le liya hai. सो नो मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, दो बड़े कांदे लेना है, उसे स्लाइस स्लाइस कट कर देना है, तेज पत्ता लेना है, सिनेमन स्टिक लेना है, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, ओके, लौंग, इलायची एंड दैट काली मिरी, फिर उसके बाद वो पत्ता जावित्री वाला, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची दो लेना है, बड़ी इलायची एक लेना है. ये सारे मसाले, गरम मसाले ले लेना है आपने. सिनेमन स्टिक को आई थिंक कहते हैं दालचीनी, ठीक है. तो ये आपने तेल लिया. ओके, तेल मम्मी पुलाव वगैरह में ना थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि बहुत ऑयली हो जाता है, बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है. फिर ऑयल मम्मी ने डाल दिया समझो 1 कप राउंड, और फिर ये सारे मसाले और अनियन को डाल दिया है. आप ये सब डालो और उस पर फिर डाल दो 1 चम्मच ज़ीरा, या पहले 1 चम्मच ज़ीरा डाल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. गैस को फास्ट पे रखना और फिर इसके बाद इस सब चीज़ों को अच्छे से भूनना, ठीक है. हाँ, फिर ये सारी चीज़ों को जब आप लोग ने अच्छे से भून लिया, तब इसमें आगे की इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. सी, अगर जब मम्मी खड़ी होती है ना साथ में, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने डर नहीं लगता है, मतलब कि मैं बना लूँगी, ठीक है, अगर वो खड़े हैं तो आई गो फॉर पुलाव, वरना मैं कभी भी नहीं जाती, बिकॉज आई एम लाइक कि मैंने खराबी कर ही आना है, तो मैं नहीं जाती. ओके, वेजीज में आपने सारी वेजिटेबल्स ले लेना है, लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, लाइक गाजर, शिमला मिर्च, जो चीज़ आप वेजीज जो बच्चे नहीं खाते, जो चीज़ वो सारी भाजी मम्मी डाल देती है. मेरी मम्मी तो लाइक टिंडे न क्या सारी भाजी, जितनी भाजी ऐसे लगता है मेरी मम्मी को ये लोग नहीं खाते ना, मैं इसमें डाल दूँगी, मटर, आलू, सब. अभी एक प्लेट में क्या करना है, आपने इसका मसाला तैयार करना है. ये उसको है फ्राई होते रहने देना चाहिए. 1-2 बड़े टमाटर लेना, उसको कट करना है, धनिया कोथमीर को कट कर लेना है, मिर्ची का पेस्ट डालना है 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है 2 चम्मच आपने. इस बार मैंने पीस के नहीं रखा, तो इस बार हम लोग डेकन का एक पैकेट वाला यूज़ कर रहे हैं. ये रहा अभी दिस वन, लाइक इतना हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, अभी ये जैसे हल्का और ब्राउन हो जाएगा ना, तब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, ठीक है. और फिर उसके बाद सारे मसाले ऐड करने से पहले मैं डालूंगी इसमें कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ता जब हम एकदम स्टार्टिंग में डाल देते हैं ना, तो बहुत जल के भुना भुना सा हो जाता है. अभी ये टाइम पे डालते हैं ना, तो इसको कैसा ये थोड़ा लाइक रहता है कि हाँ कड़ी पत्ता डाले, तो इसलिए कड़ी पत्ता पहले नहीं डालने का, वरना वो बहुत से काले से उग जाते हैं. तो अभी कड़ी पत्ता ऐड किया, जब हल्की से कड़ी पत्ता की स्मेल आने लग जाए ना, तब इसमें आपने जो मसाले हमने रखे थे ना, टमाटर वगैरह, वो इसमें ऐड कर लेने के. आपको कांदा दिख रहा होगा कि कितना ब्राउनिश हो गया है और हल्का वाइटिश भी है, तब आपने इसमें डाल देने हैं सारे मसाले. अब सारे मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, और हल्की सी हल्दी है, ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें हैं. अब ये सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, लाइक लिटरली मैं मसाले भूनने में इतनी माहिर हो गई ना, अब मुझे समझ गया है कि मसाला और तेल किस तरह से अलग होता है. लाइक पहले जब मम्मी कहती थी ना मसाला और तेल अलग हो जाएगा तब तक भूनना है, तो आई एम लाइक कि मम्मी अलग तो वो होते ही नहीं है, तब मुझे समझ में आ गया कि मसाला और तेल अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरह से. अभी आप देख सकते हो मसाले को अगर मैं एक साइड कर रही हूँ, तो वो एक साइड जा रहा है पूरा, और ऑयल एक साइड जा रहा है, तो इस तरह से मसाला और तेल अलग होता है. ओके, तो ये रहा मसाला और तेल अलग हो गया था ऑलमोस्ट, फिर भी मैंने कहा कि मैं थोड़ा और भून लेती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोना टेक एनी रिस्क. पुलाव में टेस्ट आ गया ना अगर मसाले का, तो ख़त्म, बातें मुझे सुननी है और किसी और को नहीं सुननी है. तो जब मुझे लगा मसाला और तेल एकदम अलग हो गया, तब मैंने इसमें ऐड किया सारी वेजीज. आप देख सकते हो कितने सारे आलू ऐड किए, मैंने खुद कहा कि आलू ज़्यादा डालो, बिकॉज मेरे को वेजिटेबल्स में आलू ही तो पसंद है. तो आलू, फ्रेंच बीन्स, ब्रिंजल, बहुत सारी फली वगैरह, सारी वैरायटीज ऑफ भाजी मैंने इसमें ऐड कर लिया था, एंड दैट वो मटर वगैरह भी, कॉलीफ्लावर भी मुझे पसंद है, तो ये सारी चीज़ें ऐड कर लिया था. और फिर इसको अच्छी तरह से मम्मी ने किया मिक्स, नहीं ये मैं कर रही थी, बाद में मम्मी ने खुद अच्छे से मिक्स किया कि मसाला पूरा वेजीज में जाना चाहिए, लाइक वो हल्का जो आलू वगैरह क्रिस्पी होता है ना हल्का, तब तक इसको अच्छे से भुनना है, और फिर इसमें बाद में हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे.
तो ये रहा, इस तरह से मम्मी ने इसको अच्छा खासा भून लिया था। फिर मैंने इसमें डाला पानी, जो मसाला और ये सब मिक्सडअप हो गया था, तब इसमें हमने ऐड किया वाटर। अब समझो अगर 1.5 गिलास चावल ले रहे तो 3 गिलास पानी, 2 गिलास चावल ले रहे तो 4 गिलास पानी, उस तरह से पानी डाल दीजिए आप जिस तरह से चावल पकाते हैं उस तरह से। और इसको जब बॉयल, एक आता है ना जोश जैसा, बॉयलिंग होने पर एक आता है जोश जैसे, लाइक दिस काइंड ऑफ, तब इसमें हमने ऐड करना है राइस। ओके, जब अब इसमें उबाल आ गया तब हमने इसमें क्या किया, राइस ऐड कर लिया। राइस ऐड करने के बाद आपने इसको जितना राइस थोड़ा हल्का वॉश करके, हल्का नहीं जैसे आप वॉश करते वैसा वॉश करके आपने इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, स्टेयर करना है। फिर उसके बाद हल्का जब जोश आएगा तब इसमें ऊपर से गरम मसाला ऐड कर देना है और फिर उसके बाद इसको दम पे चढ़ा देना है एंड इट्स डन। और फिर जब हम राइस किस तरह से चेक करते हैं कि राइस बराबर बन गया है कि नहीं, पानी रह गया है कि नहीं, उस तरह से हमें इसे चेक कर लेना है थोड़े टाइम बाद। और अच्छे से फिर चम्मच से इसको मूव करना है, एक बार ऊपर नीचे कर लेना है कि मसाला वगैरह एक साइड ना हो जाए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करके रख लेना है और फिर ऐसे चेक कर लेना है। और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी तो इस तरह से वो बन जाता है। फिर जब बन जाए तब गैस बंद करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ओके, तो यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ और बहुत केयरफुली, जब मम्मी नहीं थी तब मैंने सर्व किया कि मुझे सिर्फ आलू आए और जो भाजी मैं खाती हूँ सिर्फ वो वाली भाजी आ जाए मेरी प्लेट्स में। तो मैं बहुत ध्यान से निकाल रही थी, अच्छा मैं ये वाली खाती तो यही वाली और वाली तो इस तरह से मैं निकाल रही थी। ठीक है, अब मम्मी ने इसके साथ बनाती है, मेरी मम्मी खोपरे की चटनी बहुत यम लगती है इसके साथ खाने के लिए। कल का चिकन बचा था तो मैंने वो भी गर्म करके ले लिया और मैंने सोचा कि चलो मैं तो नॉन वेज ही खाती हूँ ना, तो ये रहा चिकन ही आ रहा है, वेज पुलाव। और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल दैट ना, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू, सो बाय।